हाय दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th का लेसन नंबर 11 का न्यूमेरिकल्स। अगर आप इसका थ्योरी नहीं पढ़े हैं या पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सारा लेसन मिल जाएगा एक ही प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी क्या करें कि अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। हम लोग इसका पहला क्वेश्चन हम लोग का, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणते विस्थापन होता है। क्या होता है हम लोग का, कि बल गुणते विस्थापन। इसी को हम लोग फार्मूला थ्योरी में पढ़े थे क्या, कि W बराबर क्या होगा, F इंटू क्या होगा हम लोग का, यस या FS होता है। तो W बराबर बल कितना है हम लोग का, कि 5 न्यूटन है, यहाँ पर 5 रख देंगे गुड़ते। विस्थापन कितना है हम लोग का, कि 2 मीटर विस्थापन हो रहा है तो 2 रख देंगे। 2 × 5 कितना हो जाएगा हम लोग का, 10। कार्य का मात्रक क्या होता है हम लोग का, कि जूल होता है। इतना ध्यान दीजिएगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है हम लोग का, कि जूल होता है। यही क्या हो जाएगा हम लोग का, कि उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का दूसरा प्रश्न, एक कूली 15 kg बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझे पर किया गया कार्य का परिकलन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे कि बोझ का द्रव्यमान कितना हम लोग का, कि m बराबर कितना है, 15 kg, ये लिख दिया हम लोग। अब देखिए विस्थापन कितना हुआ हम लोग का, कि 1.5 मीटर हुआ है, यानी नीचे से ऊपर ले जाने में कितना विस्थापन हुआ है। विस्थापन को हम लोग यस कहते हैं, ये समझ लीजिएगा, कि ये मत समझिएगा कि ये सेकंड है। विस्थापन को क्या कहते हैं हम लोग, यस कहते हैं। ये कितना हम लोग का है, कि 1.5 मीटर विस्थापन हुआ है। अब देखिए कह रहे कार्य का परिकलन कीजिए, कार्य बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर क्या होता है हम लोग का, कि W बराबर होता है हम लोग का, कि बल गुणते विस्थापन होता है। क्या होता है हम लोग का, बल गुणते विस्थापन। देखिए विस्थापन तो हम लोग का मालूम है, विस्थापन का मान रख देंगे यस। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, कि बल कहते हैं। यानी F बराबर क्या होगा, m × g होगा। ये तो हम लोग का त्वरण दिया ही नहीं है, तो एक ही जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, g रख देंगे। एम का मान कितना हम लोग का है, 15। जी का मान कितना रखेंगे हम लोग, 10। नॉर्मली 10 ही रखा जाता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुड़ते। यस का मान कितना है, विस्थापन कितना हुआ हम लोग का, 1.5 मीटर। गुड़ा करा देंगे सबका 15, ये गुड़ा कराएंगे तो 10 हट जाएगा हम लोग का, 15 × 15 में कितना होता है, 225। और कार्य का मात्रक क्या होता है हम लोग का, कि जूल। 225 जूल क्या होगा हम लोग का, कि कार्य का मान निकलेगा। यही क्या हो जाएगा हम लोग का, कि उत्तर हो जाएगा यही। अब देखिए हम लोग का सवाल नंबर 3, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 m/s के सामान्य वेग से गतिशील है, द्रव्यमान कितना दिया हम लोग का, यम बराबर दिया है 15 kg, लिख देंगे 15 हम लोग kg। वेग कितना दिया हम लोग का, कि वेग का मान कितना दिया है, वेग का मान v बराबर कितना दिया है, 4 m/s। इस सेकेंड को इनवर्स में भी करके देख सकता है हम लोग का। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, कि पूछ रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा की कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और इसे प्रदर्शित किससे कहते हैं, ईके से। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है, 1/2 mv² या 1/2 mv². इसमें क्या करेंगे, मान हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, यम का मान कितना है 15, भी का मान कितना हम लोग का, कि वेग कितना है 4, 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 1/2, कि ये कितना हो जाएगा 15, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 से कटा देंगे, 2 × 2 = 16 होता है हम लोग का, 15 × 8 कितना होता है हम लोग का, 120। ये क्या हो जाएगा, कि
काइनेटिक एनर्जी निकला है यानी गतिज ऊर्जा निकला। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है कि जूल के मात्रा के बराबर ही होता है, यानी 120 जूल क्या हो जाएगा हम लोग का कि उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 हम लोग का, यदि किसी कार्य का द्रव्यमान द्रव्यमान कितना दिया है, m बराबर हम लोग का 1500 केजी दिया है, लिख देंगे 1500 केजी। वेग कितना दिया है, उसके वेग को 30 किमी प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं, यूं कहते हैं इसका मान कितना दिया है 30 किलोमीटर पर हावर दिया है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करा देते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा कि 6×5 हम लोग का 30 होगा और 6×3 कितना होगा हम लोग का 18, 5×5 कितना हो जाएगा हम लोग का 25, 3/25 और ये कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में हम लोग का ये बदल गया। अब देखिए अंतिम वेग कितना दिया है, भी का मान कितना दिया, अंतिम वेग हम लोग का 60 किमी प्रति घंटा दिया है, यानी 60 किमी प्रति हावर, किमी प्रति हावर कितना हो जाएगा हम लोग का, बोलिए 60 को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुणा करा देंगे, 6×10 में 60 होता है, 6×3 कितना होता है हम लोग का 18, 10×5 कितना हो जाएगा 50 और 3/5 ये कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में हम लोग का बदल गया। अब देखिए क्या हम लोग करना है कि इसका निकालना है हम लोग का। अब देखिए कुल कितना कार्य करना पड़ेगा ये ध्यान दीजिएगा हम लोग का कि कार्य W बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का कि 1/2 क्या हम लोग का कि बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा किसी उसके वेग से, तो ये कि कौन सा हम लोग का इसमें लगेगा कि गतिज ऊर्जा लगेगा बढ़ रहा है तो, घट रहा होता तो क्या लगाते हम लोग कि स्थितिज ऊर्जा लगाते हैं, यानी 1/2 mv² mu² कर देंगे। mu² करने से पहले mv² करेंगे, अंतिम वेग माइनस क्या होता है प्रारंभिक वेग, 1/2 mu² देखिए पूरा कार्य कितना होगा हम लोग का कि 30 किमी प्रति हावर से 60 किमी प्रति हावर तक बढ़ाने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा कि अंतिम वेग के अंतिम गतिज ऊर्जा में से क्या करेंगे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घटा देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा कि कुल कितना कार्य करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए क्या करेंगे हम लोग कि लिख देंगे इसे, इसे क्या लिखेंगे हम लोग तो ध्यान दीजिए 1/2 यम तो कॉमन हो रहा है हम लोग का कि v² माइनस u² देखिए 1/2 दोनों में कॉमन हो रहा है, 1/2 यम कॉमन कर लेंगे दोनों फंक्शनों में से। अब कितना हो जाएगा हम लोग का, बोलिए यहाँ W बराबर 1/2 यम भी का मान रख देंगे, भी का मान कितना है हम लोग का कि भी का मान कितना निकला है 50/3, 50/3 का क्या लिख देंगे स्क्वायर। अब देखिए माइनस यू का मान कितना है 25/3 का स्क्वायर, 25/3 का स्क्वायर। अब बोलिए कितना हम लोग का W बराबर कितना हो जाएगा 1/2 यम का मान कितना हम लोग का 1500 और ये कितना हम लोग का कि 50 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 0 का स्क्वायर करते हैं तो 00 लिखते हैं, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और बटे में कितना हम लोग का 9। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, बोलिए W बराबर ये 1500 का में 1502 नीचे का हर बराबर है तो एक लिखेंगे ऊपर का घटा देंगे, ऊपर का घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का 10 में से 5 घटेगा 5 आएगा, 9 में से 2 घटेगा 7 आएगा और ये 4 में से 6 घटेगा 14 में से 6 घटेगा कितना होगा 8 होगा और यहाँ पर कितना होगा हम लोग का 1 गुणते ये गुणा में हम लोग का। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का कि कटा देंगे 2 से या 3 से, इसको कटा दीजिए 3×5 15 500 ये होगा और ये तितली के 9, फिर 3 से इसको कटा देंगे 3×6 18 3×2 6 3×5 15। अब क्या करेंगे कि 2 से फिर इसको कटा देंगे तो 250 हो जाएगा हम लोग का, 250 गुणते कितना हम लोग का 625 गुणा करा देंगे हम लोग, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का कुल, हम लोग का हो जाएगा 156,250। ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि इतना जूल खर्च होगा
30 किमी प्रति घंटा से 60 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तब 156,250 जूल हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं, कितना हम लोग का है कि 10 केजी है। अब देखिए क्या करना है कि वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु को कितने धरती से कितने मीटर तक ऊंचाई तक उठाया जाता है हम लोग का, तो 6 मीटर। देखिए विस्थापन कितना हम लोग का है, विस्थापन या इसे ऊंचाई का है, तो ऊंचाई कितना हम लोग का h से इसको डिनोट करेंगे, ऊंचाई है तो हम लोग का 6 मीटर है। अब देखिए इस वस्तु में ऊर्जा का परिकलन कीजिए, इस वस्तु में क्या करना है कि ऊर्जा का परिकलन हम लोग को करना है। अब देखिए कौन सी ऊर्जा हम लोग का इसमें होगा, तो इसमें होगा हम लोग का स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा होगा हम लोग का इसमें, तो स्थितिज ऊर्जा होगा। देखिए स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग, तो स्थिति ऊर्जा को हम लोग ईपी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इसे ईपी से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है हम लोग का स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है हम लोग का। यम का मान कितना है, द्रव्यमान कितना है 10, जी का मान हम लोग का दे ही दिया है क्वेश्चन में, अगर नहीं देता तो क्या रखते हैं यहाँ पर हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखते हैं, लेकिन दे दिया है तो उतना ही रखेंगे। एच का मान कितना है 6, 10 से गुणा करेंगे तो 10 हम लोग हट जाएगा एक अंक पर है, तो 6 से गुणा करा देंगे। 98 का कितना होता है हम लोग का, तो गुणा करा दीजिए 6 8 48, कितना हम लोग का हासिल 4, 6 9 54 कितना हम लोग का 58, 588। और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है हम लोग का, जूल होता है, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 हम लोग का, 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु यानी यम का मान कितना हम लोग का है कि 12 केजी है, धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है मतलब हम ऊंचाई हम लोग का मालूम नहीं है। यदि वस्तु का स्थिति ऊर्जा कितना है 480 जूल है, स्थिति ऊर्जा को ईपी से दर्शाते हैं कितना हम लोग का कि 480 जूल है, जे से जूल होता है हम लोग का, या हिंदी में भी लिख सकते हैं। वस्तु को धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जी का मान कितना दिया हम लोग का कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। देखिए हम लोग जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा ईपी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ईपी बराबर क्या होता है हम लोग का एम जी एच होता है, एम जी एच गुणा में करके लिखे या वैसे भी करके लिखेंगे तो क्या होगा हम लोग का, वही सूत्र कहलाएगा, यानी ईपी का मान कितना है 480 रख देंगे, यम का मान कितना है 12, जी का मान कितना हम लोग का 10 है, गुणते कितना हम लोग का एच, 12 दाम 110 होता है, 120 होता है हम लोग का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 120 गुणते कितना हम लोग का यच, गुणा में है तो इधर आता है तो क्या हो जाता है दूसरी तरफ आता है तो भाग में हो जाता है, अब कितना हो जाएगा हम लोग का यच हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बरचौ कितना हम लोग का 48, यच का मान कितना आ गया हम लोग का, तो यच का मान आ गया हम लोग का 4 मीटर। इसको क्या करेंगे, इसको या करके हम लोग आगे पीछे कर देंगे, यही क्या हो जाएगा हम लोग का कि उत्तर हो जाएगा। तो आपको वीडियो ये कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए हम लोग का सातवां क्वेश्चन क्या है कि 2 लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है, हम एक लड़की का नाम ए रखते हैं तथा दूसरी लड़की का नाम बी रखते हैं। अब देखिए इस कार्य को पूरा करने में ए 20 सेकंड का समय लेती है जबकि लड़की बी 50 सेकंड का समय लेती है, प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। देखिए शक्ति निकालना है इसमें हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे पहली लड़की के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए लड़की ए द्वारा कितना हम लोग का लिखेंगे कि लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति, यानी लड़की का भार लिख लेंगे, लड़की का भार कितना हम लोग का है, लड़की का भार प्रत्येक का भार कितना हम लोग का 400 न्यूटन है। हम लोग जानते हैं कि भार का सूत्र क्या होता है, भार बराबर यम इंटू क्या होता है हम लोग का कि जी होता है,
यानी यम जी होता है भार बराबर। अब देखिए कितना समय ले रही है, एक लड़की ए रखते हैं तथा दूसरी का बी, इस कार्य को पूरा करने में ए 20 सेकंड का समय लेती है यानी T1, यानी पहले लड़की का कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है हम लोग का, 20 सेकंड, इतना हम लोग का समय लग रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन ज्ञात कीजिए। देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है, कार्य बटा क्या होता है हम लोग का समय, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य को क्या कहेंगे हम लोग, एम जी एच कहेंगे, क्या कहेंगे, एम जी एच, और समय को क्या कर देंगे, T1 कर देंगे। पहली लड़की के निकाल रहे हैं तो ये P1 कर दीजिए। चलिए पहली लड़की का शक्ति हो गया। देखिए कार्य बराबर क्या होता है हम लोग का, हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणते विस्थापन होता है। बल बराबर क्या होता है हम लोग का कि एम इंटू जी होता है या एम इंटू ए होता है, त्वरण के, त्वरण जब मालूम नहीं रहता है तो वहाँ जी रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1। यहाँ पर चलिए और विस्तार से लिख दे रहे हैं, एफ का मान क्या होता है, एम इंटू जी, और इंटू ये कितना हम लोग का विस्थापन को हम लोग यच कहते हैं, बटे में T1, फिर हम लोग का वही आ जाएगा। अब देखिए यम का मान कितना हम लोग का, यम इंटू जी का मान कितना हम लोग का है, तो 400 न्यूटन है। यच का मान कितना हम लोग का, तो 180 पर 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती हैं। देखिए 8 मीटर की ऊंचाई, एच का मान कितना हम लोग का 8 है, इन दोनों का मान कितना हम लोग का 400 है, और नीचे T1 का मान कितना हम लोग का है कि 20। 20 से 400 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 20 हो जाएगा, 20 400 होता है, और 20 गुण में 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 16, 10 बढ़ जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है हम लोग का, शक्ति का मात्रक होता है हम लोग का वाट होता है। देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है हम लोग का, वाट, या WC से प्रदर्शित कर देते हैं, ये कैपिटल W रहता है, स्मॉल W नहीं बल्कि कैपिटल W रहेगा यहाँ पर, तब हम लोग का वाट कहलाएगा। यही क्या हो जाएगा पहली लड़की के लिए उत्तर हो जाएगा। दूसरी लड़की के लिए निकाल रहे हैं, देखिए दूसरी लड़की के लिए क्या होगा हम लोग का कि भार, दो लड़कियों को जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, यानी इसमें भी भार कितना हम लोग का 400 है, यानी यम इंटू जी का मान कितना हम लोग का है 400 है। अब देखिए ऊंचाई कितना हम लोग का है कि 8 मीटर है, 8 मीटर, और B1 इस कार्य को पूरा करने में, ये तो B1 नहीं है, ये हम लोग का खड़ी पाई है, तो इस कार्य को पूरा करने में 20 सेकंड का समय लेती है, जबकि लड़की B 50 सेकंड का समय लेती है, यानी T2 बराबर कितना हम लोग का है यहाँ, 50 सेकंड है। देखिए क्या करना है हम लोगों को कि प्रत्येक का शक्ति निकालना है, यानी P शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। कार्य का सूत्र क्या होता है, यम इंटू जी इंटू यच, और बटे में कितना हम लोग का T2। ये P2 का मान निकाला है, यानी दूसरी लड़की का ना पावर निकाल रहे हैं, शक्ति निकाल रहे हैं। यम इंटू जी का मान कितना है 400, एच का मान कितना है 8, T2 का मान कितना है हम लोग का 50। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 वाट है 40, 8 × 8 कितना हो जाएगा हम लोग का 64, 64 वाट क्या हो जाएगा हम लोग का कि उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का कि आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर हम लोग का 8वां, इसमें भी क्या करना है कि शक्ति का मान निकालना है, यानी शक्ति का परिकलन कीजिए। देखिए लड़के का भार लिख देंगे, क्या लिखेंगे हल करने से पहले कि लड़के का भार यम इंटू जी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का कि यम का मान कितना है 50 kg है, और गुणते जी का मान कितना हम लोग का है, तो जी का मान हम लोग का नहीं दिया है, तो जी का मान हम लोग अपनी मन से रखेंगे 10। 500 न्यूटन क्या निकल गया, लड़के का भार निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई लिखेंगे, 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगी हम लोगों का, तो 45 और गुणते
15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो कितना से गुणा करते हैं हम लोग, 100 से भाग करते हैं, गुणा नहीं बल्कि भाग करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं कि 100 से भाग देते हैं तो सेंटीमीटर मीटर में बदल जाता है। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, तो इसको हल कर देंगे तो 15 × 5 = 75 हासिल 7, 15 × 4 = 60 और 7 कितना हो जाएगा 667 हो जाएगा, यानी 675/100 भाग दे देंगे तो 2 अंक से इधर पर दशमलव लग जाएगा, 6.675। ये क्या हो गया हम लोग का कि ऊंचाई निकल गया इतना मीटर हम लोग का, यानी 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितना निकल गया 6.75 मीटर। अब देखिए क्या करेंगे कि चढ़ने में कुल कितना समय लग रहा है हम लोग का, तो टी बराबर दिया है, समय टी बराबर कितना दिया हम लोग का कि 9 सेकेंड लग रहा है, 9 सेकेंड लग रहा है चढ़ने में। देखिए क्या करेंगे कि शक्ति निकालना है, पी बराबर क्या होता है कार्य बटा समय होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है यम इंटू जी इंटू यच, और बटे में क्या होता है हम लोग का कि टी होता है यम इंटू जी, ये किसका मान है भार का, भार का मान कितना है 500 न्यूटन, और यच का मान कितना है 6.75, और नीचे कितना हम लोग का टी का मान कितना है 9। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 100 × 6.75 और बट्टा में कितना हम लोग का 9, कितना हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हम लोग का 2 अंक पर है तो हट जाएगा, यानी 675 × 5 और नीचे कितना हम लोग का 9। क्या करेंगे हम लोग कि भाग देंगे, अब 9 से इसे कटाएंगे, 9 7 कितना होता है हम लोग का 63 होता है, 4 बचेगा, 9 × 5 = 45 गुड़ते 5 गुड़ा करा देंगे 5 × 25 हासिल 2 × 5 = 35 2 × 37 ये क्या निकल गया हम लोग का इतना वाट शक्ति का मान निकल गया, यानी उसका पावर का मान निकल गया। यही क्या हो जाएगा हम लोग का कि उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर हम लोग का 9 कितना है, तो 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन ज्ञात कीजिए, यूनिटों की संख्या हम लोग को निकालनी है। तो मैं इसको बताया था थ्योरी में कि यूनिटों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो इसका फार्मूला होता है वाट गुणते घंटा गुणते कितना हम लोग का दिन और बटे में कितना होता है हम लोग का 1000। ये हम लोग का फार्मूला होता है यूनिटों की संख्या निकालने का। कितना वाट है हम लोग का, तो 60 वाट है, 60 लिख देंगे। घंटा कितना है, तो 6 घंटा है। दिन कितना हम लोग का है, तो 1 दिन में, यानी 1 लिख देंगे। नीचे कितना हम लोग का 1000 गुणा करा देंगे तो कितना होगा 6 × 6 = 36 36 + 1 = 0 1 0 लिख देंगे, और नीचे कितना हम लोग का 1000 लिख देंगे। वैसा ही 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का कि 0.36 यूनिट हम लोग का, यूनिटों की संख्या कितना निकल गई 0.36। यही क्या हो जाएगा हम लोग का कि उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 10वां, एक घर में 9 वाट के 9 बल्ब है, 9 वाट के कितने बल्ब है हम लोग का 9 बल्ब है, विद्युत बल्बों को प्रतिदिन 12 घंटे उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा 28 दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों की संख्या कितना होगी। यहाँ कितना छोड़ दिए हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा कितना होगी, यदि 3.5 रुपया प्रति यूनिट की दर पर कुल कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब कुल कितना खर्च हम लोग का होगा। तो ये ध्यान दीजिए हम लोग का 9 वाट के कितने बल्ब हैं, 9 बल्ब हैं, यानी वाट का कुल कितना संख्या हो जाएगा हम लोग का, तो 9 × 9 हो जाएगा, एक इसमें वाट लगा देंगे कि 9 वाट के 9 बल्ब हैं, तो 99 81 81 वाट क्या हो जाएगा कुल हम लोग का वाट हो जाएगा, माने कुल वाटों की संख्या कितनी हो गई 81 वाट। अब देखिए विद्युत बल्बों को प्रतिदिन 12 घंटे उपयोग किया जाता है, घंटा कितना दिया हम लोग का 12 घंटा। अब यहाँ से हम लोग का दिक्कत नहीं है, यूनिटों की संख्या लिख देंगे फार्मूला डायरेक्ट, यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो वाट गुणते घंटा गुणते दिन और बटे में कितना हम लोग का 1000, ये फार्मूला होता है हम लोग का।
वाट कितना हम लोग का, तो 81 आया है गुड़ते। घंटा कितना है हम लोग का, कितने घंटे चल रहा है रोज हम लोग का, तो 12 घंटे। दिन कितना हम लोग का है, तो 28 दिन है। और भाग दे देंगे कितना हम लोग, 1000 से भाग दे देंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि सबका गुणा करा देंगे, सबका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा हम लोगों का, देखिए कितना आया हम लोगों का, 27216 आया है, 27216। यहाँ पर लिख देंगे 27216 यूनिट हम लोगों का आया है। यूनिटों की संख्या कितनी हुई है, तो 27216। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहीं से हम लोग कैसे मान निकालेंगे कुल कितना खर्च होगा। देखिए इतना 3.5 रुपया प्रति यूनिट, प्रति यूनिट मतलब क्या होता है कि एक यूनिट का दाम कितना हम लोग का, कि इतना यूनिट निकला हम लोग का है, यूनिटों की संख्या इतना निकला है, और एक यूनिट का दाम कितना दे रहा है हम लोग का, एक यूनिट का दाम दे रहा है 3.5 रुपया। अब देखिए क्या करेंगे कि कुल खर्च लिख देंगे, कुल पैसा देना होगा या कुल खर्च कितना होगा, मतलब कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का कि 27216 को क्या लिख सकते हैं, एक यूनिट गुणा में करके क्या लिख सकते हैं, एक यूनिट, एक से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा और ये यूनिट। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, तो एक यूनिट का कितना रुपया लग रहा है, 3.5 रुपया। 27200 कितना हम लोग का, 16 और गुड़ते एक यूनिट का दाम कितना है, 3.5 रुपया। 3.5 रुपया से क्या करा देंगे हम लोग, गुणा करा देंगे। अब देखिए 3.5 रुपया से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का कुल। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, कहाँ गलती हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का गुणा कराए थे तो आया था 27216 और बाटा में 1000 छोड़ दिए हैं। यहीं पर गलती हुआ है हम लोगों का सवाल, 1000 से भाग देंगे तो कितना होगा हम लोगों का कि 27.1216 होगा हम लोग का, इतना यूनिट होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का कि यूनिटों की कुल संख्या कितना निकल गई, 27.216 निकल गया हम लोग का। एक यूनिट का दाम कितना है, 3.5 रुपया। यहाँ से थोड़ा सा कट करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए एक यूनिट का दाम कितना है, 3.5 रुपया, तो कुल खर्च कितना होगा हम लोग का, लिख देंगे कुल खर्च कितना हो जाएगा हम लोग का, तो कुल खर्च हो जाएगा हम लोग का कितना यूनिट निकला हम लोग का, 27.216। इतना यूनिट निकला हम लोग का, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 27.216 गुणते एक यूनिट। अब देखिए एक क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें गुणा कराएंगे तो वही आ जाएगा हम लोग का, और एक यूनिट का मान हम लोग का मान, एक यूनिट का दाम हम लोग को मालूम है। देखिए 27.216 कितना हम लोग का, 216, एक यूनिट का दाम कितना है, 3.5 रुपया। देखिए क्या कर देंगे कि गुणा करा देंगे। देखिए दोस्तों गुणा कराएं तो कितना आया है, 95.256 रुपया। इतना क्या हो जाएगा हम लोग का, 95.256 रुपया। देखिए ये क्या निकला हम लोग का, तो 28 दिन का निकला है। क्या निकला हम लोग का, तो 28 दिन का निकला है। तो ऐसे ही आप लोग घर का भी एकदम बिजली बिल निकाल सकते हैं, बस आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितना वाट के कितने सामान है।